जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दशमलव का जोड़ करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को साधारण जोड़ करना सिखा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथ करना सिखाने रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को दशमलव का जोड़ सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 एग्जाम्पल लेकर के रखे हैं। और दोस्तों, ये पाँचों के पाँचों एग्जाम्पल एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। दोस्तों, ये वाला सवाल जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों आप लोग इसको सीखना चाहते हैं और इस तरीके के सभी सवालों को आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा। सिर्फ आपको इतना करना होगा। चलो, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल लास्ट में सीखेंगे, ठीक है? तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, 4.3 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जो सवाल, ये क्या है चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह है। इससे हमें पता ये चलता है कि इन संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, ऊपर 4 है, नीचे 3 है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण जोड़ की तरह जोड़ते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। हमने आपको साधारण जोड़ तो करना सिखा ही दिया था, तो अगर आपने उसको भी अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, फिर इसको आप देखिएगा। 4 और 3 कितना होता है, 7। अब दोस्तों 7 होता है, तो 7 तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों 7 तो लिख दिया, लेकिन ये दशमलव है तो दशमलव हम लोग लगाएंगे कहाँ पर? दोस्तों दशमलव हम ऊपर जितनी संख्या के बाद दशमलव होगा तो उतनी ही संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। इधर एक संख्या के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव है। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। तो 0.4 और 0.3 को हम जोड़ेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.7। 0.7 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक सवाल को तो कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारे पास क्या है, 2.5 3.6 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 2.5 और 3.6 को कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम इधर वाली संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट करते हैं, इधर को करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण जोड़ की तरह इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 के हम कितने लिखेंगे यहाँ पर, 11 का हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, हासिल कितना बचा, 1, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 2 और 3 को हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो 2 और 3 कितने हो जाएगा, 5 और 1, इसमें से हासिल बचा था ना। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 हमने सबसे पहले साधारण जोड़ जैसे हम करते हैं वैसे हमने कर लिया, इतना हमने किया। अब हम लोग दोस्तों ये देखेंगे कि कौन सी संख्या के बाद दशमलव है। ऊपर से एक संख्या के बाद दशमलव है, नीचे भी एक संख्या के बाद दशमलव है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 2.5 और 3.6 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 6.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग जोड़ कर सकते हैं दशमलव वाले सवालों का। अब दोस्तों हमारे पास ये वाला सवाल है, ये थोड़ा अलग प्रकार का। हर एक सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही अलग प्रकार के सवाल हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। वरना आप इसमें अभी तक गलती करते आए थे और आगे भी आप लोग गलती करते रहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 8.06 + 1.42। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इधर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं और इधर को जोड़ते हुए जाते हैं। सबसे पहले हम साधारण जोड़ की तरह इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, 0 और 4 को जोड़ेंगे। तो 0 और 4 को जब हम दोस्तों जोड़ेंगे तो 4 ही आ जाएंगे। 4 में किसी भी संख्या को जोड़ो, मतलब 0 में किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वही संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो 0 में हमने 4 को जोड़ा तो 4 यहाँ पर आ गया है। अब क्या है हमारे पास, 8 है और 1 9 को जोड़ेंगे, 8 1 9 हो जाएगा। तो 9 दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब दोस्तों ऊपर कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, नीचे भी 1 2 संख्या के बाद दशमलव है। अब दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद है तो 1 2 संख्या के बाद हम लोग दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। तो 8.06 + 1.42 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये 3 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर, फिर हम लोग लास्ट में ये वाला सवाल देखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, वही तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले साधारण जोड़ की तरह इसको जोड़ेंगे,
चार और जीरो को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो चार ही उतनी ही संख्या आ जाएगी, तो चार में जीरो को जोड़ेंगे तो चार ही आ जाएगा। दशमलव है, हमें अभी ध्यान नहीं रखना, चाहो तो एक संख्या के बाद ऊपर भी है और एक संख्या के बाद नीचे भी है, तो यहीं पर हम दशमलव यहाँ पर लगा ही देते हैं। तो हमने लगा दिया, अब क्या करेंगे, छः और एक को जोड़ेंगे तो छः और एक सात, सात हम यहाँ पर लिख देंगे, और नौ और चार को जोड़ेंगे, नौ चार 13, तो दोस्तों 13 है तो 13 को हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना हमने कर लिया, तो 137.4 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये की क्या है, चारों के चारों सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो सवाल है ये इन सवालों से बहुत ही अलग है ये वाला सवाल। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर दो है, छः है, 3.45 है, ऊपर ज्यादा संख्याएं हैं नीचे कम संख्याएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके का सवाल मिलता है, तो सबसे पहले आप उस संख्या को वहां से लिखना प्रारंभ करें कि दशमलव एक ही संख्या के बाद आए, मतलब एक समान संख्याओं के बाद दशमलव आए। यहाँ पर भी एक दो संख्या के बाद दशमलव, और यहाँ पर हमने एक संख्या यहीं से लिखना प्रारंभ कर दिया, तो हमें दशमलव सेम जगह पर लगाना है, तो दशमलव सेम जगह पर है तो लग गया, ठीक है इतना हमने कर लिया। अब जोड़ेंगे इसको, दो के नीचे कुछ भी नहीं है, दो दोस्तों हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख दिया हमने। और छः और एक सात को, छः और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सात, अब सात को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है दो और सात हमने यहाँ पर हो गया, दशमलव कितनी संख्या बाद है, ऊपर से एक दो संख्या के बाद है, नीचे एक ही संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर दशमलव को छोड़ दीजिएगा, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए तीन और पाँच को जोड़ेंगे तो पाँच तीन आठ, तो आठ हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। अब चार और सात को जोड़ेंगे, सात और चार कितना हो जाएगा ग्यारह, ग्यारह का कितना लिखेंगे एक लिखेंगे, तो एक हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, पाँच है और एक इसमें से हासिल बचा था, तो पाँच और एक छः, छः हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि ऊपर से कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक दो संख्या के बाद दशमलव है, नीचे एक ही संख्या के बाद दशमलव है। दोस्तों जितनी संख्याओं की सबसे ज्यादा जो संख्या होती है उस उतनी ही संख्या के बाद जब दशमलव लगता है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उतनी संख्या के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर एक और दो संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी एक और दो संख्या के बाद ही हम लोग दशमलव लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 618.72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने चारों के चारों सवाल, पांचों के पांचों सवालों को कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।